बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एम कैट ए के यू टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड मैथ सैम्पल टेस्ट नंबर 8 जो है डिस्कस करेंगे और इसके लास्ट क्वेश्चन है 26 से लेके 30 तक। तो इससे पहले भी मैं सैम्पल टेस्ट नंबर 8 जो है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर भी आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ डेकागोन। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना और पॉलीगोन के सम ऑफ एंगल्स फाइंड करें, फिर एक एंगल फाइंड करने का भी फार्मूला आपने ओ लेवल्स में और मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें तो सम ऑफ एंगल्स, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ डेकागोन। सबसे पहले तो हमें उसके एंगल अगर बता चले जाएं, n माइनस 2 इंटू 180, ये है जी सम ऑफ एंगल्स कि उस पॉलीगोन जो डेकागोन है उसकी 10 साइड्स होती हैं। ओके, और उस 10 जो डेकागोन बन रही है उसके सारे एंगल्स का सम कितना है। अगर इस सब को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। आपको पता है ना कि एवरेज का क्या फार्मूला है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप n की जगह पे 10 पुट कर दो, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड बाय 10, इस तरह ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, 8 1 8, 8 + 6 जो है वो आ जाएगा 14। तो 144 डिग्री जो है चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बात समझ रहे हैं आप। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 27 पे। क्वेश्चन 27 की स्टेटमेंट जो है वो देखिएगा आप। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सेट मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बैरन्स की बुक देखें, सही है प्रिंसटन की बुक देखें, तो उसमें सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आगा खान में भी पूछे जाते हैं बेटा। अब देखते हैं जी क्वेश्चन 27। इफ़ द सर्कल विद सेंटर ए हैज़ एन एरिया ऑफ 72 पाई, वट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर बी। अब ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर ए है और उसका एरिया दे दिया है 72 पाई, तो जो बड़ा सर्कल है इसके रेडियस को मैं कह देता हूँ कि ये आर वन है और ये जो छोटा सर्कल बी है उसके रेडियस को मैं कह देता हूँ कि ये आर टू है। अब देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जो छोटा सर्कल है वो इस बड़े वाले सर्कल के अंदर है और यानी कि इसका जो रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का, उस रेडियस का अगर हाफ करेंगे तो बी सर्कल का रेडियस आ जाएगा। यह हमें देखने से, डायग्राम को देखने से पता चल रहा है। ओके, अब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। बड़े वाला जो सर्कल है उसका एरिया दिया हुआ है 72, तो इसका एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं, पाई आर वन स्केयर इज इक्वल टू 72 पाई। 72 पाई जो है इसका एरिया हमें दिया हुआ है, पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आर वन स्केयर इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया तो स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आर वन की वैल्यू अब यहाँ से अब हमने फाइंड करनी है। तो 72 जो है ये 9 8 72 होता है और आप इसको मज़ीद फैक्टर बनाएं तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 36 को हम बड़ी आसानी से स्क्वेयर रूट से बाहर निकालें तो ये 6 बन जाएगा और 6√2 जो है ये बड़े सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको मैं आर वन आर टू लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, हमने तो करेक्ट ऑप्शन ही बतानी है। तो यहाँ पर आर टू जो है बेटा ये आर वन का हाफ है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो जो सर्कल बी है उसका रेडियस हमें मिल गया 3√2। 3√2 जो है सर्कल बी का रेडियस मिल गया। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो सर्कल बी का जो एरिया है वो आ जाएगा एरिया बी, तो पाए आर स्क्वेयर होता है,
पाई आर की जगह पे आप लिखेंगे 3√2, और इसका आप स्क्वेयर देखें तो 3 का स्क्वेयर 9, स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर 2 आएगा, तो 9 × 2 = 18, तो 18 पाई जो है इसका आंसर है, इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की? ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अब देखिएगा क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर बी इफ ए बी इज इक्वल टू 5। अब देखें ये दोनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 का है। अब आप ज़रा गौर करें तो जो सर्कल ए है उसका रेडियस कितना है, 5 है। अब सर्कल बी देखें, सर्कल बी का रेडियस कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, ऐसे ही है ना। सर्कल ए का रेडियस भी 5 है, सर्कल बी का रेडियस भी 5 है, तो अब यहाँ पर सिर्फ उसने आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि बच्चा शायद कहीं पे को गलती कर ले, तो इसका एरिया देख लें, सर्कल बी का रेडियस आर है, 5 है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वेयर, तो 5 आर की जगह पे 5 लिखा, तो 25 पाई जो है इसका आंसर बन रहा है, जो कि बेटा चार्ली ऑप्शन है। समय के बाद 2-3 सेकंड का ये क्वेश्चन है सिर्फ, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ओके, बाद बच्चे डायग्राम देख के थोड़ा सा नर्वस परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो पूछता है। अब देखिएगा क्वेश्चन 29, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इस को 29 की स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्वेश्चन 29 की स्टेटमेंट जो है वो पढ़िएगा, और उसका सलूशन मैं आपके सामने इधर जो है वो नोट करता हूँ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 2 BC, बी सी का सी डी जो है वो डबल है, एंड बी सी इज इक्वल टू 2 AB, यानी कि अगर ए बी जो है वो 4 है तो बी सी इक्वल है 2 AB, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। ये बी सी का, ये सारे सेमी सर्कल बने हुए हैं, ए बी जो सेमी सर्कल है इसका डायामीटर 4 दिया हुआ है, बी सी का जो डायामीटर है वो 8 हमने फाइंड कर लिया बी सी इज इक्वल टू 2 AB वाली कंडीशन से, और जो सी डी है वो 2 BC के इक्वल है, तो 2 × 8 करेंगे तो सी डी का जो सेमी सर्कल है उसका डायामीटर हमें मिल जाएगा 16। अब उसने क्या कहा है, उसने पूछा है कि देन द एरिया ऑफ द एंटायर शेडेड रीजन, तो ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला लगाएं और तीनों का एरिया जो है वो फाइंड कर लें। आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। अब इसका रेडियस जो है वो 2 है, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस कितना है 8, तो तीनों पे फार्मूला लगाते जाते हैं पाई, पहले फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो 2 है, पाई आर स्क्वेयर क्योंकि हाफ सर्कल है तो डिवाइड बाय 2 भी कर दें आप। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो सेमी सर्कल है उस पर भी सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला लगाया, और जो सर्कल सेकंड है उसका जो रेडियस है वो 4 है बेटा, 4 का स्क्वेयर, और सेमी सर्कल के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड सर्कल की बारी आती है, तो थर्ड सर्कल में पाई लिखा, और इसमें रेडियस कितना होगा, 16 का हाफ करें तो 8 का स्क्वेयर, और सेमी सर्कल के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4π/2 प्लस 16π/2 प्लस 64π/2, इसको सॉल्व कर लें, 2π प्लस 8π प्लस 32π, 32 प्लस 8 करें 40, 40 प्लस 2 करें तो 42π जो है बेटा इसका एरिया है, शेडेड एरिया तीनों सर्कल्स का, तो इस तरह इसकी जो चार्ली ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, आ गई होगी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और इस सैंपल टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा। आर्क्स पी आर एंड क्यू एस आर सेमी सर्कल्स विद सेंटर एट क्यू एंड आर, क्यू और आर जो हैं वो इसके सेंटर्स हैं,
और ये सेमी सर्कल्स हैं, पी आर आर्क बना रही है, क्यू एस उसकी सेमी सर्कल की आर्क है। इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू फाइव, पी क्यू जो है वो फाइव हो तो पी आर क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, पी आर टेन है। वट इज़ द पैरीमीटर ऑफ द शेडिड रीजन, पैरीमीटर फाइंड करना है हमने, तो सिर्फ इसकी जो बाउंड्री हैं उनको ऐड करना है, यानी कि ये फाइव, फिर पी आर आर्क, फिर क्यू एस आर्क और आर एस, आर एस भी जो है वो फाइव ही होगा, क्योंकि पी क्यू फाइव है तो पी आर टेन होगा, और क्यू जितना क्यू आर है उतना ही आर एस होगा, यानी कि फाइव होगा। तो ये भी फाइव हमें मिल गया और ये भी हमें फाइव मिल गया। अब हमने ये जो आर्क लेंथ है पी आर ये फाइंड करनी है, और ये जो क्यू एस आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर जिसको बोलते हैं वो है जी टू पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, टू पाई आर डिवाइड बाय टू, यानी कि पाई आर। तो इसका जो फार्मूला बनेगा इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ फाइव प्लस फाइव पेरीमीटर के लिए, ये वाली साइड रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों को ऐड किया। इसके बाद आपने बाउंड्री जो है ये सॉल्व करनी है। अब ये ना समझें कि ये जो ब्लैक लाइन है ये इस तरह से ऐसे नहीं है, ये पूरी एक शेप है ऐसे, इस तरह से है, ओके। अब हमने पी आर जो है आर्क लेंथ बेटा फाइंड करनी है, तो ये मैं लिखूँगा टू पाई आर, आर इसका जो है वो फाइव है, और डिवाइड बाय टू। पी आर जो सेमी सर्कल है इसका मैंने पैरीमीटर निकाला। फिर इसके बाद ये क्यू आर क्यू एस जो है ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो इस पर भी हम सेमी सर्कल के पैरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, तो टू पाई आर और इसका रेडियस भी फाइव है, और सेमी के लिए जो है वो हम टू से डिवाइड कर देंगे। इसको बेटा सोल्व करें, टेन टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फाइव पाई प्लस टू से टू कैंसिल हो गया फाइव पाई, तो टेन प्लस टेन पाई, तो टेन पाई प्लस टेन, यानी कौन सी ऑप्शन हमें मिल रही है, डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ओके। और अगर इसका एरिया कह देते हैं, एरिया फाइंड करें, तो ये बेसिकली ये एक ही सर्कल बन रहा है, इसको आप थोड़ा सा इधर अगर मूव करते हैं तो ये एक ही सर्कल बन रहा है, तो पाई आर स्क्वेयर का फार्मूला लगाएंगे, आर की जगह पे फाइव लिखेंगे, तो 25 पाई जो है वो इसका एरिया आ जाएगा, अगर वो एरिया पूछता। पैरीमीटर हमने इस तरह से फाइंड करना है। तो इस तरह से ये जो मैथ सैम्पल टेस्ट नंबर 8 है ए के यू से रिलेटेड, आगा खान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये बेटा कम्प्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, सैम्पल टेस्ट 1 to 8 तक अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयारी करते हैं, तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी आपके इनकरेजमेंट की ज़रूरत रहती है बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो इशू हो आप पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।